मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। भोपाल के सतपुड़ा भवन की चौथी मंजिल पर एक बार फिर आग लग गई। मंगलवार शाम करीब 4 बजे चौथे फ्लोर पर धुआं उठता दिखा। कुछ ही देर में सुरक्षा कर्मी फायर उपकरण लेकर पहुंचे। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। प्रत्यक्षदर्शी फहीम ने बताया है कि आग लगी तब हम पास में ही थे। मौके पर पहुंचे तो देखा 5 जगह आग सुलग रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को अज्ञात शख्स द्वारा पत्र के माध्यम से जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देने का एक मामला सामने आया है। इससे कथावाचक के अनुयायियों में रोष व्याप्त हो गया। इसकी जानकारी सामने आने के बाद महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए कथावाचक प्रदीप मिश्रा की सुरक्षा की मांग की है। कांग्रेस नेता कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर अटकलों पर विराम लगने के बाद कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में जुट गई। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसी नेताओं की बैठक हुई है। इसमें यात्रा के लिए बनाई गई समितियों के सदस्यों से चर्चा की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोज पौधारोपण करने के संकल्प को मंगलवार को 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कहा कि गांवों में ट्री बैंक होनी चाहिए जहां जाकर लोग पेड़ पौधे खरीद सके। वहीं हर शहर में पर्यावरण मंच बनना चाहिए जो सरकार के साथ काम करे। लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अब कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो सिंधिया के खिलाफ भी चुनाव लड़ने को तैयार हूं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह गुना में गुना और बमोरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।